अंतिम दिनों की जागृति मेरे हृदय से जुड़ा हुआ एक विषय है। प्रभु ने मुझ दास को काफी सालों से अंतिम दिनों की जागृति के बारे में बहुत कुछ समझाया और सिखाया है, और एंड टाइम रिवाइवल के बारे में कुछ प्रकाशन बाइबल में से आज मैं सारे दर्शकों के साथ बांटना चाहूंगा, बहुत प्रार्थना के साथ कि सुनने वाले हर एक दर्शक के दिल के अंदर अंतिम दिनों के लिए प्रभु की जो अद्भुत योजनाएं हैं उसका प्रकाशन प्राप्त हो और हम परमेश्वर की उन योजनाओं में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं। एंड टाइम रिवाइवल, तो इसके लिए हम एक आयत वचन में से निकालेंगे, पवित्र बाइबल में से, लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत, लूक चैप्टर 13 वर्स 23। वहां लिखा है, तो किसी ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? तो कोई जन यीशु मसीह के पास आता है और पूछता है कि प्रभु, क्या उद्धार पाने वालों की गिनती बहुत कम है? मैं जिस पृष्ठभूमि में जन्मा और पला बढ़ा, उस पृष्ठभूमि के अंदर जो छवि मेरे दिल में आई वो ये थे कि उद्धार पाने वालों की गिनती तो बहुत कम होगी, क्योंकि अक्सर मैं लोगों के मुंह से सुनता था, किसी तरह स्वर्ग पहुंच जाएं, भले वहां चौकीदार बन जाएं, किसी तरह पहुंच जाएं। तो मुझे ऐसा लगता था कि स्वर्ग पहुंचना बहुत मशक्कत की बात है और बहुत कम लोग ही स्वर्ग पहुंच पाएंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। जब प्रभु ने मुझ दास को सेवकाई के लिए बुलाया और मुझे एक कलीसियाई सेवा सौंपी, पासबान की सेवा सौंपी, तो मैं सोचता था कि कलीसिया में बहुत कम विश्वासी होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत बड़ी बड़ी जो कलीसियाएं आजकल हम देखते हैं, मेगा चर्चेस, मैं उन कलीसियाओं के अंदर की कुछ कमियों को देखकर मैं ऐसा सोचता था कि छोटी कलीसिया होनी चाहिए, 50 लोग हों, 100 लोग हों, ताकि पासबान जो है हर व्यक्ति के ऊपर अच्छी नज़र रख सके, कौन कैसा है, विश्वास में सही है कि नहीं, प्रभु के पीछे चल रहा है कि नहीं, उन्नति कर रहा है कि नहीं। अच्छा, कोई इतवार को ना आए तो कम से कम बुला के पूछ तो लें कि भाई तुम क्यों नहीं आए, बहुत लोग हो जाएंगे, कौन किसके बारे में पूछता है। तो ऐसी कुछ धारणाएं मेरे दिल में थी। एक दिन प्रभु ने मुझसे पूछा, शिबू, तू कितने लोगों को स्वर्ग में लेकर आएगा? मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, यह कैसा प्रश्न है, मैं कितने लोगों को स्वर्ग लेकर आऊंगा? प्यारे मित्रों, मैं पूरी तरह हिल गया। मैंने कहा, प्रभु, स्वर्ग में मैं कैसे लेके आऊंगा? नहीं, समझ ले, तेरी कलीसिया में 100 लोग हों, कितने लोगों को स्वर्ग तक लाने की तू गारंटी देता है? 75, 100, 50? प्यारे मित्रों, उस वार्तालाप के अंदर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे उस दिन समझ में आ गया, पासबान होने के नाते स्वर्ग तक मैं एक भी व्यक्ति को नहीं लेके जा सकता। मैंने कहा, प्रभु, मैं तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, मैं कैसे किसी को स्वर्ग तक लेके आऊं? प्यारे मित्रों, मेरी आंखें खुल गई, मुझे यीशु मसीह की कही एक बात समझ में आ गई कि यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यीशु ने कहा, मैं कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा यह काम धरती पर हो रहा है। आपकी कलीसिया में पासबान होने के नाते शायद 5 ही लोग होंगे, पर आप केवल उनको बाहर से देख रहे हैं, कितनी निगरानी रखेंगे आप उनको? इतवार को देख सकते हैं, बीच की किसी दो सभा में देख सकते हैं, पर आपके पीठ के पीछे, आपकी आंखों से दूर, वो क्या कर रहे हैं, कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप कौन सी निगरानी रखेंगे, कैसे आप नजर रखेंगे? प्यारे मित्रों, मुझे समझ में आ गया, मैं किसी को स्वर्ग तक नहीं ले जा सकता, केवल पवित्र आत्मा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को तैयार कर रहे हैं,
कोई व्यक्ति स्वर्ग जाएगा कि नहीं, यह उस व्यक्ति की आज्ञाकारिता और समर्पण पर निर्भर करता है कि वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा को और पवित्र आत्मा की बातों को वो कितना स्वीकार कर रहा है। एक कलीसिया का पासबान, आपके सेवक, आपके आत्मिक अगुवे तो केवल आपको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, परमेश्वर उनको केवल इस्तेमाल कर रहा है आपसे बात करने के लिए। स्वर्ग जाएंगे कि नहीं यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपने पवित्र आत्मा को कितना आदर दिया, पवित्र आत्मा की कितनी बात मानी, उसके ऊपर यह सब तय होगा। मेरी आंखें खुल गई, परमेश्वर ने इसके बाद मुझसे बात करना शुरू किया, अंतिम दिनों में क्या होने वाला है इसके बारे में समझाना शुरू किया। मैं सारी बात तो इतने कम समय के अंदर नहीं बता पाऊंगा, पर आपका ध्यान मैं इस 13वें अध्याय की लूका 13 उसकी 29वीं आयत की तरफ लाना चाहता हूं। 13:29 में लिखा है, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से लोग आएंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इस बात को समझाने के लिए प्रभु ने मुझे 14वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह के द्वारा दिए गए एक दृष्टांत पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लूका 14 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक यीशु मसीह ने एक पैराबल सिखाया, एक दृष्टांत सिखाया, और उस दृष्टांत के अंदर से बहुत बातें हमारी समझ में आएंगी। दृष्टांत यह है, मैं पढ़ना चाहूंगा लूका 14 अध्याय की 15वीं आयत से। उसके साथ यीशु के साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर यीशु से कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। यीशु ने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और मैं उन्हें परखने जाता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो हम देखते हैं कि जो आमंत्रित लोग थे उनके पास दास ने आकर कहा, भोजन तैयार है आ जाओ। तो एक ने कहा, मैंने खेत लिया है। दूसरे ने कहा कि मैंने बैल खरीदे हैं। तीसरे ने कहा, मेरी शादी हुई है। कोई भी नहीं आया। 21वीं आयत में लिखा है, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। 22वीं आयत, दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। 23वीं आयत सुनिए, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। ये जो दृष्टांत यीशु मसीह ने सुनाया है परमेश्वर के राज्य के बारे में, इसके द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की। प्रभु ने बताया कि प्रभु की इच्छा यह है कि उसका घर भर जाए। क्या पूछा था किसी ने कि क्या थोड़े ही लोग उद्धार पाएंगे? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से लोग आएंगे और प्रभु के तैयार किए हुए भोज में शामिल होंगे। यहां यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर की पिता परमेश्वर की इच्छा यह है कि प्रभु ने जो घर बनाया है वो घर भर जाए। अब ये घर कौन सा है, ये घर कितना बड़ा है, इस बात को छोटे से संदेश में समझा पाना तो असंभव है, फिर भी कोशिश करते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 1 आयत में यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन ना घबराए, मेरे पिता के यहां बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि नहीं होते तो मैं तुम्हें बता देता, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के लिए, और जब मैं तैयार कर लूं तो मैं लौट करके आऊंगा। ये मैंने उस आयत को अपने शब्दों में आपको बताया है। क्या कहा यीशु मसीह ने? मेरे पिता के यहां बहुत से रहने के स्थान हैं,
बहुत से रहने के स्थान, अर्थात वो छोटा स्थान नहीं है। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 21वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में नए यरूशलेम के बारे में लिखा है, नया यरूशलेम, वह स्थान जो परमेश्वर उद्धार पाए हुए, महिमा मंडन पाए हुए संतों के लिए तैयार कर रहा है, जिसकी सड़कें सोने की हैं। हम उन बातों को प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में पढ़ते हैं। नए यरूशलेम का आकार वहां लिखा है कि वो एक क्यूब की तरह है, जितना ऊंचा है उतना ही लंबा है, उतना ही चौड़ा है, एक क्यूब की तरह, आइस क्यूब जैसा आप देखते हैं, आइस क्यूब की तरह। कितना ऊंचा है? 1380 मील के लगभग, अर्थात 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर से भी ऊंचा, उतना ही चौड़ा, उतना ही लंबा। हम बुर्ज खलीफा के बारे में सुनते हैं, दुबई में सबसे ऊंची इमारत। हम अन्य कोलालंपुर के ट्विन टावर्स के बारे में हम सुनते हैं, बहुत सी ऊंची ऊंची इमारतों के बारे में हम सुनते हैं। प्यारे मित्रों, इनकी ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर, आधा किलोमीटर, या हो सकता है इंसान अपनी कोशिशों से 1 किलोमीटर तक भी पहुंच जाए। पर नए यरूशलेम की ऊंचाई 2200 किलोमीटर से ज्यादा है, चौड़ाई भी उतनी, लंबाई भी उतनी। अगर हम बहुत सरल ढंग से भी आंकें तो इसमें इतने संतों के रहने के लिए सुंदर वासस्थान तैयार हो सकते हैं जितने कि पूरे इतिहास में अब तक उद्धार जितने लोगों ने पाया नहीं है। एक बात समझ में आ जाती है कि उस नए यरूशलेम को भरने के लिए बहुत से करोड़ों करोड़ों और संतों के उद्धार पाने की जरूरत है, यानी करोड़ों लोगों के उद्धार का काम अभी बाकी है। प्यारे मित्रों, प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में हम एक भीड़ को देखते हैं, वो भी असंख्य है। तो इन बातों के द्वारा समझ में आ गया कि उद्धार पाने वालों की गिनती कम नहीं है, उद्धार पाने वालों की गिनती बहुत ज्यादा है। ये जो उद्धार पाने वाले हैं किस कलीसिया में जाएंगे, क्या होगा डिनोमिनेशन? मेथोडिस्ट होगा, प्रेस्बिटेरियन होगा, एंग्लिकन होगा, पेंटिकोस्टल होगा, कौन सा होगा? नहीं, उस कलीसिया का कोई डिनोमिनेशन नहीं है। अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा अपने ढंग से काम करेगा। डिनोमिनेशन विभागों की दीवारों के ऊपर उठ करके यीशु मसीह की कलीसिया पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलेगी, और एक ऐसी तैयार कलीसिया, एक सुंदर कुंवारी की तरह, एक दुल्हन की तरह तैयार कलीसिया अंतिम दिनों में तैयार होगी। प्यारे मित्रों, ये घर कैसे भरेगा? जो हमने दृष्टांत पढ़ा है उसमें से कुछ बातें हमें सीखने को मिलती हैं। पहले हम देखते हैं कि स्वामी ने जो दावत तैयार की, जब समय हुआ तो उसने अपने दास को भेजा कि जो आमंत्रित थे उनको बुलाकर लाए, पर जो आमंत्रित थे उनमें से कोई भी नहीं आया। यहां पर किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? हां, इसराइलियों की ओर। परमेश्वर ने जितने वादे किए थे अब्राहम से और अब्राहम के वंशजों से किए थे, इसराइलियों से। लिखा है कि यीशु मसीह आए, अपनों में आए, इसराइलियों में यीशु मसीह आए, यहूदी बनकर आए, पर यहूदियों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में, मसीहा के रूप में नहीं पहचाना, ग्रहण नहीं किया। सबसे पहले निमंत्रण इसराइलियों को मिला था पर उन्होंने आने से इंकार कर दिया। फरीसियों ने, सदूकियों ने, शास्त्रियों ने यीशु मसीह की बात एक न मानी। तो क्या हुआ? स्वामी ने क्रोध में आकर निमंत्रण सब लोगों के लिए खोल दिया। स्वामी ने कहा, नगर के बाजारों और गलियों में जाओ और कंगालों, टुंडों और लंगड़ों और अंधों को लेकर आओ। प्यारे मित्रों, अगर हम ध्यान देंगे तो पुराने अहदनामे में, पुराने नियम के अंदर, ये लोग जो शारीरिक रूप से अपंग होते थे ये आराधनालय में नहीं आ सकते थे, पर स्वामी ने कहा कि अब जाओ, जाकर अंधों, टुंडों, लंगड़ों को बुला लाओ, मतलब जो अयोग्य हैं उनको बुला लाओ। और दास ने कहा, प्रभु यह काम भी हो गया है। क्या है इसका मतलब? पिछले 2000 सालों से इसराइलियों ने जब यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की योजनाएं अगले स्तर पर पहुंच गई। यीशु ने कहा था, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और धरती के छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे।
यीशु के क्रूस की कथा दुनिया के हर राष्ट्र में, धरती के कोने कोने तक सुनाई गई। पिछले 2000 सालों में व्यभिचारियों ने, कातिलों ने, मुजरिमों ने, हर प्रकार के पापी इंसान ने जो अयोग्य था, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। इस दृष्टांत के अंदर हम आगे पढ़ते हैं, दास ने कहा 22वीं आयत में, मैंने वो किया फिर भी जगह है, फिर भी जगह है। तब स्वामी ने कहा सड़कों पर जाओ और लोगों को विवश करके लाओ ताकि मेरा घर भर जाए। आपका ध्यान मैं इस आयत के ऊपर रखना चाहता हूं। पिछले 2000 सालों में हजारों, सैकड़ों, लाखों संतों ने उद्धार पाया है, परंतु नए यरूशलेम को भरने लायक संतों की अभी गिनती नहीं हुई है। नए यरूशलेम को भरने के लिए करोड़ों और संतों का बचना बाकी है। प्यारे मित्रों, इन आयतों से एक बात समझ में आती है, एक ऐसा दौर आने वाला है जब धरती के लोग विवश किए जाएंगे। दे विल बी कंपेल्ड परमेश्वर के राज्य में आने के लिए। ये विवश करने का मतलब क्या है कि इंसान के निर्णय शक्ति के ऊपर, विल पावर के ऊपर, वोल्यूशन के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। परमेश्वर कॉलर पकड़ के बोलेगा उद्धार पा वरना तुझे नरक में भेजूंगा। नहीं, विवश करने का अर्थ भी प्रभु ने समझाया। मूसा के सामने जब झाड़ी जल रही थी, भस्म नहीं हो रही थी, तब मूसा ने भेड़ों को चराने का काम छोड़ा और कहा यह कैसा अद्भुत दृश्य है, मैं इसे देखने जाऊंगा। जलती झाड़ी जो भस्म नहीं हो रही थी, उस अचरज भरे दृश्य को देखने के लिए मूसा भेड़ों को छोड़कर उस झाड़ी की तरफ जाने के लिए विवश हो गया। अंतिम दिनों में प्रभु इसी तरह की आग बरसाएगा। अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की आग बरसाएगा और प्रभु लोगों को विवश करेगा अद्भुत कामों के द्वारा, जैसे पहले युग में, पहली शताब्दी में यरूशलेम की कलीसिया के अंदर चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा वचन स्थापित और साबित किया गया। बिल्कुल उसी तरह इस कलीसिया युग के अंतिम चरण में परमेश्वर अद्भुत तरीके से सारी धरती के ऊपर, दुनिया के राष्ट्रों पर पवित्र आत्मा की आग भेजने जा रहा है, जिसको हम एक अंतिम दिनों की जागृति कह सकते हैं। दूर नहीं, अनेक स्थानों पे वो जागृति शुरू हो चुकी है। हम उस दौर में हैं जब परमेश्वर फिर से अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य से भर रहा है, अपने अभिषेक से भर रहा है, चिन्ह और चमत्कार साधारण लोगों के द्वारा, नए नए विश्वासियों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा प्रकट हो रहे हैं और होंगे, ताकि अन्य अन्य जातियों के लोग विवश हो जाएं, जलती झाड़ी को देखकर विवश हो जाएं और लोगों की आंखें खुलेंगी और वो प्रभु को ग्रहण करेंगे। प्यारे मित्रों, ये काम जकरिया 4 अध्याय की 6वीं आयत के मुताबिक ना तो बल से होगा, ना ताकत से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। एक ऐसा अभिषेक जो हर जुए को तोड़ देगा। प्यारे अजीजों, उस अभिषेक को पाएं, अंतिम दिनों की उस जागृति में शामिल हो जाएं। मैं इस संदेश को समाप्त करने से पहले एक आह्वान देना चाहता हूं, एक निमंत्रण देना चाहता हूं। ये अंतिम दिनों की जागृति किसके द्वारा प्रकट होगी? परमेश्वर ये जागृति भेजना चाहता है ताकि लोगों का उद्धार हो। ये किसके द्वारा होगा? जेम्स, याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में हम देखते हैं, लिखा है एलिया हमारे समान सुख दुख भोगी एक इंसान था। प्यारे दर्शकों, एलिया एक साधारण इंसान था, पर उस साधारण इंसान को प्रभु ने आज से सदियों पहले इज़राइल के अंदर एक जागृति लाने के लिए इस्तेमाल किया। आसमान से एलिया के द्वारा आग बरसाई गई, इज़राइल में जागृति आई। आज इस अंतिम युग में एक जागृति के लिए प्रभु आपको और मुझको इस्तेमाल करने जा रहा है। भारत के अंदर जागृति के लिए प्रभु भारत के बाहर से किसी को नहीं लाना चाहता है, भारत के अंदर से प्रभु आपको और मुझको तैयार करके इस्तेमाल करना चाहता है। हम जो एलिया के समान साधारण लोग हैं, अयोग्य होंगे, पर प्रभु हमें तैयार करना चाहता है। हम उसके लिए अपने आप को समर्पित करें और कहें प्रभु मेरे युग में, इस अंतिम युग में जब मैं जी रहा हूं, हमारे चारों तरफ जो घटनाएं हो रही हैं, आईएस उग्रवादियों के द्वारा जो काम हो रहे हैं, तालिबान अलकायदा के द्वारा जो काम हो रहे हैं, देशों में, राष्ट्रों में जो समस्याएं बढ़ रही हैं, इंसान का स्वभाव जो बढ़ रहा है, प्रकृति के नियम जो बदल रहे हैं, सारी बातों से एक बात समझ में आ रही है कि ये अंतिम युग है।
ये अंतिम युग हमारे लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि परमेश्वर जागृति भेज रहा है। इस जागृति में आइए आप और मैं एलिया की तरह तैयार हो जाएं और प्रभु के हाथों में इस्तेमाल किए जाएं, ताकि प्रभु का घर भर जाए, प्रभु का घर भर जाए। जकरिया 10 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, प्रभु से उस बारिश को मांगे, निश्चय प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा और प्रभु इस्तेमाल करेगा। मैं सारे दर्शकों से ये कहना चाहता हूं, अपने दुनियावी सपनों को छोड़ दें। दुनिया में आप कितना नाम कमाना चाहते थे, कितना बड़ा बनना चाहते थे, उन सपनों को छोड़ दें। अब वक्त अपने लिए जीने का नहीं है, अपने सपनों के लिए जीने का नहीं है, अब वक्त है परमेश्वर के लिए जीने का। क्रूस के ऊपर जो यीशु मसीह कुर्बान हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जो जी उठे, जो अपना काम हमारे हाथ में देकर गए हैं, उस प्रभु के लिए जीने का समय है। अंतिम जागृति में भाग लेने का समय है, ताकि लाखों लोग बचें, करोड़ों लोग बचें और प्रभु का घर, जैसा लूका 14 की 23 में लिखा है, भर जाए। मेरा विश्वास है भारत के 125 करोड़ लोगों को प्रभु अनदेखा नहीं कर सकता। भारत में एक बहुत बड़ी जागृति आने वाली है। भारत की कलीसिया को प्रभु उस काम के लिए तैयार कर रहा है। आपको प्रभु तैयार करना चाहता है, मुझको प्रभु तैयार करना चाहता है। छोड़ दें बाकी सपनों को और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें, इस जागृति की तैयारी करें। यह जागृति कगार पर है। प्रभु आपको आशीष देवे। को मेरे उठाता है जो, जीवन को मेरे चलाता है जो, रखता है अपने हाथों तले, जीवन को मेरे बढ़ाता है जो। तू ही यहोवा, तू ही यहोवा, तेरी करूँ मैं आराधना। तू ही यहोवा, तू ही यहोवा, तेरी करूँ मैं आराधना। समुंदर की लहरों से क्यों मैं डरूं, अधिकार रखता है जीवे प्रभु। न भयभीत कर पाए नदियां मुझे, कितना है सामर्थ्य मेरा प्रभु। तू ही यहोवा, तू ही यहोवा, तेरी करूँ मैं आराधना। तू ही यहोवा, तू ही यहोवा, तू ही करूँ मैं आराधना। मिटाना सकेगी ये दुनिया की आग, जलाकर वो शैतान को कर देगा राग। न छोटा पड़ेगा कभी उसका हाथ, वो रोकेगा शत्रु का हर एक बार। तू ही यहोवा, तू ही यहोवा, तेरी करूँ मैं आराधना। तू ही यहोवा, तू ही यहोवा, तेरी करूँ मैं आराधना। वो कहता है मुझसे तू ना डर कभी, पुकारा है मैंने तेरा नाम ही। वो संग संग चलेगा तेरे साथ भी, वो मेरा मुहाफिज
है मेरा साथी, तू ही यहोवा, तू ही यहोवा, तेरी करूं मैं आराधना, तू ही यहोवा, तू ही यहोवा, तेरी करूं मैं आराधना। जगत के प्रभु हाँ तू ही ज्योति है, तू ही सच्चाई जीवन भी है, तेरे ही पीछे मुझे चलना है, तेरा नाम ऊंचा मुझे करना है, तू ही यहोवा, तू ही यहोवा, तेरी करूँ मैं आराधना, तू ही यहोवा, तू ही यहोवा, तेरी करूं मैं आराधना। ईशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। ईशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा ईशु जिंदा है। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा ईशु जिंदा है। दानियल के जैसे शेरों की मान, शद्रक के जैसे अग्नि ज्वाला, दानियल के जैसे शेरों की मान, शद्रक के जैसे अग्नि ज्वाला। सामने गोलियत हो चाहे, लहरें ऊंची मुझको घेरे, सामने गोलियत हो चाहे, लहरें ऊंची मुझको घेरे। ईश मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। ईश मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। हमारा पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है शिफाले चर्च, RZ 8M, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, कैलाशपुरी चौक के समीप, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045। और हमारा ईमेल है shibu27km@rediffmail.com। प्रभु हम सबको और आप सबको भी आशीष देता रहे। जय मसीह की।